हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक बूढ़ी माँ की। एक बार एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने एक वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ा। इस माँ का ये इकलौता बेटा था जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया। इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए, माँ कर सकती थी। और आज इस तरह की परेशानी ना हो इसलिए आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गई। वृद्ध आश्रम में रह रही माँ हमेशा बेटे को याद करती और मगर बेटा केवल साल में एक बार मिलने जाता था या फिर फोन कर लेता था। वृद्ध आश्रम से बेटे को एक दिन फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी से आश्रम आ जाओ, आपकी माँ आपसे मिलना चाहती है, वो बहुत सीरियस है। बेटा जब अपनी माँ के पास पहुँचा तब वह आखिरी सांसें गिर रही थी। बेटे ने अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रिज न होने की वजह से यहाँ पर हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट सोना पड़ा क्योंकि किसी ने दिया हुआ खाना खराब होने से नहीं बचा पाते, तो इस आश्रम के लिए एक दो फ्रिज भी खरीद दे देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बातें सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए, आपने कभी भी यह बातें मुझसे नहीं कही, अब जब टाइम आपका नहीं बचा तब आप यह सब कह रही हैं, ऐसा क्यों। माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने गर्मी भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़कर जाएंगे तब तू यह सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझे यह सब लगवाने के लिए कह रही हूँ। दोस्तों, माँ की ये आखिरी लाइन किसी भी बेटा या बेटी की आंखों खोलने के लिए सक्षम है। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो तो आपको दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।